विजिनेन्द्र वंदितु सव सिद्धे दुविमल मणोवमंगदिं पते वो चामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सारजी ग्रंथाधिराज का बंधाधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था, जो ऐसा मानता है कि मैं किसी को सुखी करता हूँ अथवा दुखी करता हूँ, इस तरह की मान्यता रखने वाला जीव अज्ञानी होता है। ज्ञानी जीव क्या सोचता है? अब जो आज की कक्षा में हम तीन गाथाएं पढ़ेंगे, उसमें हम समझेंगे कि ज्ञानी जीव का किस तरह का विचार होता है, वास्तव में जीव सुखी और दुखी क्यों होता है, जीव को सुखी दुखी बनाने के पीछे किसका निमित्त होता है, क्या कोई किसी को सुखी कर सकता है, क्या कोई किसी को दुखी कर सकता है, अथवा जीव का स्वभाव सुख दुख है, या फिर कर्म के निमित्त से ये सब प्रक्रियाएं होती है, ये सब चर्चा हम आज की इस कक्षा में समझते हैं। देखें गाथा क्रमांक 266। कम्मणिमित्तं सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सत्ता कम्मं चणदेशितुमं दुखिद सुहिदा कह कदाते। बोलिए कम्मणिमित्तं सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सत्ता कम्मं चणदेशितुमं दुखिद सुहिदा कह कदाते। कम्मणिमित्तं सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सत्ता कम्मं चणदेशितुमं दुखिद सुहिदा कह कदाते। जीव को सुख और दुख किस अपेक्षा से प्राप्त होते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म निमित्तम, कर्मों के निमित्त से। जो जीव जैसा कर्म करता है तदनुसार उस निमित्त से सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति। सव्वे मतलब सभी, दुखिद मतलब दुखी, सुहिदा अर्थात सुखी, हवन्ति मतलब होते हैं। कर्म के निमित्त से सभी सुखी दुखी होते हैं, जदि अर्थात यदि, सत्ता अर्थात जीव। अर्थात यदि हम ऐसा सिद्धांत माने जो कि बिल्कुल वास्तविक है कि जीव, सभी जीव जो सुखी दुखी होते हैं वे किस कारण से होते हैं? कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से। कम्मम चण देशितुमम, कम्मम चैचे मतलब और, कम्मम अर्थात कर्म, न मतलब नहीं, देसी मतलब देते हो, तुमम अर्थात तुम, तू अर्थात तुम वह कर्म नहीं देते हो। वह कर्म नहीं देते हो का तात्पर्य है कर्म के निमित्त से जीव को सुख दुख हुआ, कर्म ने जीव को सुखी दुखी बनाया और तुम उस सामने वाले जीव को कर्म तो देते नहीं हो। फिर दुखिद सुहिदा कह कदाते, इस अपेक्षा से दुखिद अर्थात दुखी और सुहिदा अर्थात सुखी, कह मतलब कैसे, कदा मतलब किए गए, ते मतलब तुम्हारे द्वारा या तुमने, जब तुमने कर्म नहीं दिया तो फिर तुमने जीव को सुखी दुखी कैसे किया। बहुत स्पष्ट सिद्धांत आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं जीव को सुख दुख किस अपेक्षा से प्राप्त होते हैं। उत्तर मिला कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से। सातावेदनीय रूप पुण्य कर्म का निमित्त होगा, उसके उदय से जीव सुखी होगा। असातावेदनीय रूप पाप कर्म का निमित्त होगा, जीव दुखी होगा। कर्म के निमित्त से जीव सुखी दुखी होता है। तुमने तो उस जीव को कर्म दिया नहीं, जब कर्म नहीं दिया तो फिर तुमने उस जीव को सुखी दुखी कैसे बनाया, अर्थात नहीं बनाया। बहुत स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं जो अज्ञानी जीव है वह ऐसा मानते हैं कि मैंने सामने वाले को दुखी किया, मैंने उसे सुखी किया। हम किसी का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, आत्मा स्वयं अपने भावों का कर्ता है, किसी अन्य पर पदार्थ को वह सुखी दुखी नहीं बना सकता, वो तो उसका कर्म है जो उसे सुखी दुखी बनाता है। फिर से गाथा का अर्थ देखें।
कम निमित्तम, कर्म के निमित्त से सवे सत्ता सभी जीव दुखिद सुहिदा हवंती, दुखी और सुखी होते हैं। जब कर्म के निमित्त से सभी जीव दुखी और सुखी होते हैं तब कम्मम चण देसी तुमम, तुमने उस जीव को कर्म कब दिया, अर्थात तुमने उस जीव को कर्म तो दिया नहीं। जब कर्म नहीं दिया तो दुखिद सुहिदा कह कदाते, अर्थात वे जीव दुखी और सुखी तुम्हारे द्वारा कैसे किए गए, अर्थात तुमने उन जीवों को दुखी सुखी नहीं किया, वे तो स्वयं अपने कर्म के निमित्त से दुखी और सुखी हुए हैं। गाथा का भावार्थ देखें। यदि सभी जीव कर्म के निमित्त से दुखी और सुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तब वे जीव तूने किस प्रकार से दुखी और सुखी किए, अर्थात तुमने उन जीवों को दुखी सुखी नहीं बनाया, वे तो स्वयं अपने कर्म के निमित्त से दुखी सुखी हुए हैं। भैया जी, कर्म के उदय में सुखी दुखी जीव कैसे देखे जाते हैं? स्पष्ट सी बात है, जब कर्म का उदय आता है तो संसार में अनेक प्रकार की अवस्थाएँ व्यवस्थाएँ देखी ही जाती है। जब साता वेद निरूप पुण्य कर्म का उदय आता है तो जीव सुखी देखा जाता है। आज व्यक्ति अथवा कोई भी मनुष्य यदि सुखी है, घर परिवार अच्छा है, रुपया पैसा धन दौलत है, कर्म के उदय से उसे वह सब सामग्री मिली है जो उसके लिए सुख प्रदान करने वाली है, इसलिए वह अपने आप को सुखी मानता है। यदि उसके पाप कर्म का उदय है जिस कारण से रुपये पैसे नहीं हैं, वह गरीब है, हमेशा दुखी रहता है, कोई आधी व्याधि मानसिक बीमारी उसको सताए हुए है, कोई शरीर से विकलांग है, किसी को पति अच्छा नहीं मिला। मैना सुंदरी की कथा हम पढ़ते हैं, जब विवाह हुआ कोढ़ी पति से विवाह हुआ, पाप कर्म का उदय था इस कारण से ऐसा पति मिला। तो कर्म के उदय से ही ये तो सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि में पूरे संसार में आज जो जीव सुखी और दुखी हैं उनमें उनका स्वयं का हाथ है। उन्होंने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा, उस कारण से आज वो कर्म जब उदय में आया तो वो सुखी दुखी हैं। स्पष्ट सी बात है, बहुत बार तो ऐसा भी होता है जो कर्म का खेल है ये बड़ा विचित्र है। अभी पुण्य का उदय चल रहा है, कब पुण्य का घड़ा खत्म हो जाए और कब पाप का घड़ा प्रारंभ हो जाए, कब उस जीव का पाप प्रारंभ हो जाए और वह उस स्थान से जो पहले बहुत करोड़पति था कब रोड़पति हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, कर्म के उदय से संसार में ऐसी अवस्थाएं देखी ही जाती है कि यह सुखी है यह दुखी है। यहाँ व्यवहार रूप से सुखी दुखी की चर्चा है, आत्मा की अपेक्षा से सुखी दुखी की चर्चा नहीं है। जो जीव को अच्छा लगे, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वह सुख, जो इंद्रियों को बुरा लगे वह दुख, इसमें कर्म के उदय का निमित्त मानना चाहिए। गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। साता यदा उदय में अथवा असाता, होता सुखी जग दुखी यह छंद गाता। तू डालता न पर में जब कर्म ऐसा, भाई दुखी जग सुखी बन जाए कैसा। कितना स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भाई जब तू दूसरे में इस तरह का कर्म नहीं डालता तो क्यों तुम दुखी होकर के अथवा वह सुखी वह संसार को दुखी सुखी बना रहा है, वह तो स्वयं अपने कर्मोदय से ही दुखी सुखी हो रहा है। इसी बात को आचार्य भगवान और स्पष्ट करते हुए अगली गाथा में कह रहे हैं, देखें। कम्मणि मित्तं सव्वे, कम्मणि मित्तं सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सत्ता, दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सत्ता कम्मं चण देसि तुमं, कम्मं चण देसि तुमं कहम तम सुहिदो कदोते ही, कहम तम सुहिदो कदोते ही। बोलिए। कम्मणि मित्तं सव्वे दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सत्ता, कम्मं चण देसि तुमं कहम तम सुहिदो कदोते ही। कम्मणि मित्तं सव्वे
दुखिद सुहिदा भवन्ति जदि सत्ता कमं चण देसि तुमं कहम तम सुहिदो कदोते हिम। जो अभी हमने पूर्व गाथा में पढ़ा आचार्य भगवान उसी का स्पष्टीकरण अलग अलग दो गाथाओं में और आगे दे रहे हैं, दुख की अपेक्षा से और सुख की अपेक्षा से। इस पहली गाथा में सुख की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। देखें, कर्म निमित्तम सव्वे, कर्म निमित्तम अर्थात कर्मों के निमित्त से, सव्वे अर्थात सभी, अंत में शब्द दिया हुआ है दूसरी पंक्ति में, सत्ता अर्थात जीव, कर्म के निमित्त से सभी जीव दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि, यदि दुखिद सुहिदा अर्थात दुखी और सुखी, हवन्ति अर्थात होते हैं, यदि अर्थात यदि, यदि हम यह सिद्धांत स्वीकार करते हैं कि सभी के सभी जीव कर्म के निमित्त से ही दुखी सुखी होते हैं, कम्मम चण देसि तुमम, कम्मम च और कर्म को च मतलब और, न मतलब नहीं, देसी मतलब देते हो, तुमम अर्थात तुम, अर्थात और तुम उस कर्म को देते भी नहीं हो अथवा तुझे वे ऐसा कोई कर्म देते भी नहीं हैं। तीसरी पंक्ति का अर्थ फिर से देखें, कम्मम च और कर्म तो, च मतलब और, न मतलब नहीं, देसी मतलब देते, तुमम अर्थात तुझे, तुझे कोई सामने वाला वैसा कोई कर्म देता नहीं है, कहम तम सुहिदो कदो तेहिम, कहम कैसे, तम मतलब तुझे, सुहिदो मतलब सुखी, कदो मतलब किया गया, तेही मतलब उन्होंने, उनके द्वारा, जब तुझे सामने वाले ने ऐसा कोई कर्म दिया ही नहीं तो फिर सामने वाले ने तुझे सुखी कैसे किया, क्यों सुखी और दुखी तो कौन करते हैं, कर्म निमित्तम, कर्म के निमित्त से जीव सुखी और दुखी क्यों होता है। वास्तविकता देखी जाए तो जीव के सुखी दुखी होने में उसका स्वयं का कर्म निमित्त है, जो उसने पूर्व में कर्म बांधा था उस अनुसार उसके उदय आया और वह जीव सुखी दुखी हुआ। सामने वाले ने वह कर्म हमें नहीं दिया, जब वह कर्म हमें नहीं दिया तो फिर हम सुखी क्यों हो रहे हैं, या अपने आप को उसके निमित्त से कि उसने मुझे सुखी बनाया हम ऐसा क्यों मान रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा मानता है उसने मुझे सुखी बनाया वह अज्ञानी की दृष्टि है। जो ये मानता है कर्म के निमित्त से मुझे सुख दुख हो रहा है, कर्म के निमित्त से मैं सुखी हूँ, यह ज्ञानी की दृष्टि है, इस प्रकार का चिंतन ज्ञानी जीव करता है। गाथा का भावार्थ देखें, यदि कर्म के निमित्त से सभी जीव दुखी और सुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं, तब उन्होंने तुझे सुखी किस प्रकार किया, अर्थात कर्म नहीं देने के कारण से वे सामने वाले हमें सुखी नहीं बना सकते, हमें सुख नहीं दे सकते, हमें सुख तो हमारे स्वयं के जो साता वेदनीय कर्म हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं, उनके अनुसार प्राप्त होता है। भैया जी, देखने में तो ऐसा आता है कि कुछ पैसे मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखा तो जाता है कि यदि सामने वाले को हम पैसा देते हैं, रुपए देते हैं, तो वह खुश हो जाता है, वह उसे ऐसा मानता है कि हमने उसे सुखी बनाया है। या हम अपने ऊपर ही ले लें, यदि कोई हमें किसी बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त कराता है तो जो हम जिसने हमें वह बहुमूल्य वस्तु दी हम ऐसा मानते हैं कि उसने मुझे सुखी बनाया, लेकिन वास्तविकता देखें तो उस सामने वाले ने व्यक्ति ने हमें रुपया पैसा नहीं दिया, वो तो हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र था, इस कारण से हमें वह पैसा मिला। अगर लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम तीव्र नहीं होता तो फिर वह पैसा हमें प्राप्त नहीं होता। संसार में ऐसी स्थिति बहुत स्थान पर देखी जाती है, बहुत लोग होते हैं यदि पुण्य काम में नहीं आता है तो पुण्य के अभाव में उन लोगों का व्यक्तित्व, उन लोगों का जीवन भी खराब हो जाता है, और जब पुण्य का उदय आता है तो निश्चित रूप से वे जो पहले गरीब थे वो आज बहुत अमीर बन करके, बहुत सेठ बन करके और समाज में प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करते हैं। कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, सामने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी सामग्री दे वो हमें सुखी दुखी नहीं बना रहा है, वो जो सामग्री मिली है उस सामग्री में निमित्त कौन बना, हमारा कर्म का उदय, कर्म का उदय आया तभी तो वह निमित्त बना। इन वस्तुओं को सामने वाले को हम निमित्त मानेंगे तो हमारी ज्ञानी दृष्टि बनी रहेगी और हम ऐसा मानेंगे कि नहीं उसी ने हमें सुखी बनाया, तो फिर हमारी दृष्टि अज्ञानी की दृष्टि हो जाएगी। फिर तो जो अन्य संप्रदाय के द्वारा माना जाता है कि संसार में भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता,
भगवान ही सृष्टि का निर्माता है, भगवान ने ही हमको सुखी दुखी बनाता है, तो फिर तो सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान क्यों किसी को सुखी दुखी बनाएगा? भगवान को क्या पढ़ा है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के पीछे भी एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें सुखी और दुखी बनाती है। उसका सीधा सा नाम है कर्म। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल प्राप्त होता है। हम सुखी हो रहे हैं, हमारे लाभांतर है, कर्म का क्षयोपशम तीव्र है, इसलिए हमें रुपया पैसा या लाभ की वस्तुएं प्राप्त हो रही है। यदि हमारा पुण्य कर्म है तो हमें सुख मिल रहा है। ये सब कर्म के उदय से जानना चाहिए। गाथा क्रमांक 267 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। लो कर्म का उदय जीवन में जभी हो, औचित्य है जग दुखी व सुखी तभी हो। पुत्तान कर्म जग है तुमको कदापि, कैसे हुए तुम अपार सुखी तथापि। संसार में हमें कोई ऐसा कर्म नहीं देता है जो हमें सुखी बना दे। यह बात आचार्य भगवान ने यहाँ कही है। अगली ही गाथा में दुखी अवस्था की बात कर रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमको दुख देता हो। कर्म नहीं है का तात्पर्य मेरा यहाँ पर है कि सामने वाले ने हमें ऐसा कर्म नहीं दिया है जो हमें दुखी बना रहा है। हम दुखी क्यों हो रहे हैं? हम तो अपने कर्म के उदय से दुखी हो रहे हैं। वही अगली गाथा में कह रहे हैं। कमोदयेन जीवा, कमोदयेन जीवा, दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे, दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे, कम्मं चण देशितुमं, कम्मं चण देशितुमं, कहं तं दुहिदो कदो तेहि, कहं तं दुहिदो कदो तेहि। बोलिए। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे, कम्मं चण देशितुमं, कहं तं दुहिदो कदो तेहि। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे, कम्मं चण देशितुमं, कहं तं दुहिदो कदो तेहि। इस गाथा का शब्द से अर्थ देखते हैं। कम्मोदयेन जीवा, कम्मोदयेन कर्म के उदय से, जीवा अर्थात जीव, दुखिद सुहिदा हवन्ति जदि सव्वे, दुखी और सुखी, हवन्ति मतलब होते हैं, जदि अर्थात यदि, सव्वे मतलब सभी, सभी जीव कर्म के उदय से ही दुखी और सुखी होते हैं। यदि यह सिद्धांत हम स्वीकार करते हैं, कम्मम चण देसि तुमम, कम्मम अर्थात कर्म तो, च मतलब और, न मतलब नहीं देते हो, तुमम अर्थात तुझे, तुझे कोई व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं देता है, कहम तम दुहिदो कदो तेहि, कहम कैसे, तम अर्थात तुझे, दुहिदो अर्थात दुखी, कदो मतलब किया, तेहि उन जीवों ने, उन जीवों ने तुझे ऐसा कर्म नहीं दिया तो फिर उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया, अर्थात उन्होंने तुम्हें दुख कैसे दिया। बहुत स्पष्ट सी बात आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं। कर्म के उदय से ही जीव जब सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। जीव सुखी क्यों बना? साता वेदनी कर्म के उदय से। जीव दुखी क्यों बना? असाता वेदनी कर्म के उदय से। जब जीव सुखी और दुखी कर्म के उदय से होता है तो सामने वाले ने तुझे ऐसा कोई कर्म कब दिया जिस कारण से तुम दुखी हो रहे हो? सामने वाला तुम्हें ऐसा कोई कर्म दे नहीं सकता। जब नहीं दे सकता तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अथवा तुम क्या सामने वाले को ऐसा कर्म देते हो या दे सकते हो क्या जिससे सामने वाला दुखी हो? कहने का तात्पर्य है, न हम स्वयं किसी को ऐसा कर्म देते हैं, न कोई हमें ऐसा कर्म देता है जिससे हम सुखी और दुखी होते हैं। हम सुखी और दुखी तो कर्म के उदय से होते हैं। यह अकाट्य सिद्धांत है। इसी बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह जान लेता है वह जो अपने सुख और दुख के निमित्त है उनमें हर्ष विषाद नहीं करता।
दुख देने वालों व्यक्तियों के प्रति या जिनके निमित्त से दुख प्राप्त होता है उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं रखता। वो तो ये जानता है मेरा कर्म है, मेरे कर्म के उदय से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। जिन लोगों के निमित्त से उसे सुख प्राप्त हुआ है वह उन लोगों में खुश नहीं होता, उन पर प्रसन्न होकर के उनसे राग नहीं करता। राग द्वेष करेगा तो कर्म का बंद होगा। वह तो यह जानता है यह व्यक्ति तो निमित्त है, इस कारण से मुझे सुख प्राप्त हुआ है, सुख तो मुझे अपने स्वयं के कर्म के उदय से मिला है। इस प्रकार की परिणति जीव की होती है जिससे वह राग द्वेष से बचता है और कर्म बंध से रहित होता है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर यह बंधाधिकार में गाथा दे रहे हैं कि ज्ञानी जीव की दृष्टि कैसी होती है। वह जानता है क्या कि कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं। सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं दे सकता जो मुझे दुखी करता हो अथवा सुखी करता हो, मैं तो स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। गाथा का भावार्थ देखें। यदि सभी जीव कर्म के उदय से दुखी और सुखी होते हैं और वे जीव तुझे कर्म तो देते नहीं, तो फिर उन्होंने तुझे किस प्रकार दुखी किया। अर्थात वे जीव तुझे दुखी नहीं कर सकते, दुख तो तुझे कर्म के उदय से ही मिला है। भैया जी, कोई किसी को मारता या परेशान करता है तो दुख तो होता ही है। व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति सामने वाले ने किसी को मारा तो वह दुखी हो रहा है, लेकिन उसको जो मार पड़ी वो भी उसके कर्म के उदय के कारण से पड़ी। जो उसको गाली सुनाई पड़ी वो भी उसके कर्म के उदय से सुनाई पड़ी। यदि उसके पाप कर्म का उदय नहीं है तो कोई व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, अपयश यूं ही नहीं होता। व्यर्थ में ही लोग किसी को ऐसे नहीं मारते। कर्म के उदय के निमित्त से वह जीव निमित्त मात्र बना है। इस प्रकार की दृष्टि और इस प्रकार की वास्तविकता हमें समझनी चाहिए। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं प्रद्युम्न कुमार को मारने के लिए कितने प्रयास किए गए, लेकिन कर्म ऐसा बलवान था वो जहाँ जाता मारने की अपेक्षा से उस स्थान पर उसको और लाभ होता जाता, और अधिक उसको फायदा होता जाता। तो यदि कर्म हमारा मजबूत है, सातावेदनी हमारा कर्म मजबूत है, हमें सुख देने वाला है, तो बहिरंग में हमें दुख देने वाले बहुत से लोग मिल जाएं, दूसरों के निमित्त हमें बहुत ऐसे प्राप्त हो जाएं, कोई मार रहा है, कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, लेकिन यदि सातावेदनीय कर्म का उदय तीव्र चल रहा है तो कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। कर्म का उदय सबसे बड़ा बलवान है। यदि सातावेदनीय रूप कर्म आदि उस जीव के साथ में है तो उसके निमित्त से वह जीव सुखी होता है। असातावेदनीय आदि कर्म उसके साथ में है उनके निमित्त से वह जीव दुखी होता है। संसार में जो रुपया पैसा लेन देन का अथवा नुकसान का, कोई लेकर के भाग गया, इस तरह की जो सब क्रियाएं होती है ये तो निमित्त मात्र हैं, ये हमें सुखी दुखी नहीं करते। कर्म का उदय ही हमें सुख दुख करते हैं, कर्म का उदय ही हमें सुखी दुखी बनाता है। भैया जी, ज्ञानी जीव अन्य जीवों को सुखी दुखी देख करके क्या सोचता है? वैसे तो ज्ञानी जीव अपने निर्विकल्प समाधि में स्थित रहता है, शुद्धोपयोग में स्थित रहता है, लेकिन फिर भी जब वो शुद्धोपयोग से च्युत होकर के शुभोपयोग में आता है उस समय भी वह ज्ञानी रहता है। भले ही आत्मज्ञान से छूट गया लेकिन सम्यक ज्ञानी तो है ही सही, उस अपेक्षा से उस हमने उसे ज्ञानी जीव कहा। उस अवस्था में भी वह है अन्य जीवों को दुखी सुखी देख करके, अथवा अन्य कोई व्यक्ति उनको सुख दुख की सामग्री प्रदान कर रहा है उसको भी वह देख करके मन में यही सोचते हैं, ये कोई भी जीव किसी को भी सुखी दुखी नहीं बना सकते, ये तो निमित्त मात्र हैं। सामने वाले को वह निमित्त मात्र मानता है, अपना हमारा स्वयं का उपादान है, हमारा कर्म का उदय है, इस कारण से हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। सभी जीवों को आज की इस गाथा से, आज की इस कक्षा से हमें यही समझना है, हमें कोई भी सुखी दुखी नहीं बनाता, कर्म के उदय से जीव दुखी सुखी होता है। यदि इस तरह की हमारी मान्यता और धारणा बनेगी तो जो हमें बहिरंग में लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें दुखी बनाया, इस व्यक्ति ने हमें सुखी बनाया, उनके प्रति जो हम राग द्वेष करते हैं वो हमारा कम होगा, वो छूटेगा, हमें तत्व दृष्टि पता चलेगी, कर्म सिद्धांत हमारे समझ में आएगा कि वास्तव में कोई हमें सुखी दुखी नहीं बनाता, सुख दुख तो सब हमारे कर्म के निमित्त से प्राप्त होते हैं, फिर ऐसा समझ करके हम कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमें आगामी काल में दुख हो। हम ऐसी ही क्रियाएं करेंगे, शुभोपयोग में रहेंगे, स्वाध्याय पूजन पाठ आदि क्रियाएं करेंगे जिससे हमें पुण्य कर्म का बंध हो और पुण्य कर्म के उदय के कारण से भविष्य में हमें सुख सामग्री प्राप्त होगी। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान दें।
गाथा क्रमांक 267 का जो हमने पद्यानुवाद पढ़ा वहाँ पर दुखी शब्द दिया हुआ है, उसमें हमें पहले सुखी पढ़ना है। और जो अभी हम गाथा क्रमांक 268 का पद्यानुवाद पढ़ रहे हैं, आपके पुस्तकों में सुखी शब्द दिया हुआ है, अंत में जो शब्द है अंतिम पंक्ति उसमें हमें दुखी शब्द पढ़ना है सुखी के स्थान पर। देखें, लोकर्म का उदय जीवन में जभी हो, सिद्धांत है जग दुखी व सुखी तभी हो, देता न कर्म जग है तुमको कदापि, कैसे अकारण दुखी तुम हो तथापि। इन सभी गाथाओं को पढ़ करके हम अपनी धारणा भी इसी अनुसार बनाएं ताकि हम निमित्त को दोष ना दें और अपनी कर्म शक्ति को अच्छा बनाएं। कर्म की उदय से जीव दुखी सुखी होता है, इस प्रकार की मान्यता को बनाएंगे तो हम संसार में राग द्वेष में नहीं फंसेंगे और दुखी सुखी नहीं होंगे। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।